कौवा बिरयानी कमजोर लेग पीस है। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए। आज है थर्सडे और डिनर हम लोगों ने सोचा कि बाहर करते हैं। हैना इज ओवर हियर, हैना इज कैरिंग द सैनिटाइजर और हम लोग हैं ऊपर व्हाइल डैडी और हेतम गए हैं नीचे कार में एंड दे गोना वेट फॉर अस। राइट हैना, राइट डैडी, या लेट्स गो, या लेट्स गो। हैना हॉर्स देयर साइड हियर। कल रात हम लोग आए और आके सो गए इनफैक्ट, और सोने से पहले चीज़ें बराबर से मैंने रखी ताकि आज है फ्राइडे तो फ्राइडे के दिन एज यू गाइज नो नॉर्मली मेरी मेड नहीं आती थी और आजकल मेरे घर में मेड नहीं है। एंड मैंने मेड को बोल दिया है कि मत आना बिकॉज आजकल हमारा काम हो रहा है रोबो क्लीनर से ही। तो रोबो क्लीनर को मैंने सेट कर दिया था, सुबह स्केजुलिंग करके रख दिया था सुबह सुबह 6 बजे के लिए। तो जैसे ही 6 बजे सुबह के रोबो क्लीनर ने पूरा घर साफ कर दिया एक्सेप्ट द बेडरूम। कल हम लोग मैं कर रही थी ब्रश और रोबो क्लीनर को मैंने चला दिया था एंड देन व्हेन आई वाज ब्रशिंग मैंने दरवाजा जो है वो खुला रखा बाथरूम का। तो जैसे मैं ब्रश कर रही थी ऑटोमेटिकली बाथरूम के अंदर रोबो क्लीनर चला गया और क्लीन करने लगा बाथरूम का। मैंने बोला ये क्या है। सो मुझे याद आया कि हमारे पास एक ऑप्शन है वर्चुअल वॉल करके, मतलब आप वर्चुअल वॉल डाल सकते हो एंड बता सकते हो कि रोबो क्लीनर कि यहाँ पर वॉल है मत जाओ। तो ऑल्दो वहाँ पर वॉल नहीं है फिर भी रोबो क्लीनर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि आपने वो रेडिया जो है रिस्ट्रिक्ट करके रखी है। कल रात को मैंने वैसे ही वर्चुअल वॉल डाल दी अपने बेडरूम के अंदर क्योंकि हम लोग सो रहे थे, मुझे वो रोबो क्लीनर जो है वो पूरा घर साफ करना था एक्सेप्ट द बेडरूम। तो मैंने वर्चुअल वॉल डाल दिया तो सुबह सुबह 6 बजे रोबो क्लीनर स्केड्यूल पर था तो सुबह सुबह सारा घर उसने क्लीन कर दिया एंड एक्सेप्ट द बेडरूम। सो जैसे हम लोग बाहर आए ना पूरा घर क्लीन था। कैन यू इमेजिन, हर फ्राइडे मैं अपने हाथ से क्लीन करती थी पूरा घर बिकॉज फ्राइडे इज द ओनली डे व्हेन माय मेड डोंट कम यूज टू नॉट कम। तो अभी आराम, अभी सुबह सुबह उठो पूरा घर क्लीन आपको मिलेगा। और यहाँ पे सूख रहे हैं ऑनियंस क्योंकि ना आप देख सकते हैं ऑनियंस को लाइक यू नो थोड़े से वो आ गए हैं ग्रीन ग्रीन से। ऑनियंस जब वेट होते हैं ना ये तरह की चीजें आती है तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे रख दिया है ऑनियंस को थोड़ा सा ड्राई करने के लिए। एंड समर सीजन आई थिंक इट स्टार्टेड ऑलरेडी, इतनी ठंडी भी नहीं है इतनी गर्मी भी नहीं है लेकिन आई एम श्योर इट ऑलरेडी स्टार्टेड क्योंकि दो तीन दिन से यहाँ पर वो हो रहा था डस्ट वगैरह, इसीलिए हम लोगों ने बालकनी अभी तक साफ नहीं की है। बालकनी को फिर साफ करेंगे। बर्तन जो है सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ने साफ कर दिए थे, आधे मैंने कर दिए आधे उन्होंने कर दिए, थोड़े फिर भी बाकी है जिसको मुझे साफ करना है विच इज ओके क्योंकि फ्राइडे के दिन अभी तो मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने की का है। लेकिन कल रात को हम लोग बाहर गए थे इसलिए मैंने नहीं। बाय द वे कल रात को जो रेस्टोरेंट हम लोग गए थे ना वो है जाफरान रेस्टोरेंट, वहां पर हम लोग 2-3 साल पहले जाते थे, उसके बाद कोविड की वजह से जाना बंद कर दिया। वहाँ की स्पेशलिटी क्या है पता है, जलेबी। एंड आई लव दोस जलेबीज व्हाट दे मेक। और कल का खाना बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी था। कल हम लोगों को बातें करते करते ना इतना टाइम हो गया, लाइक यू आर सपोज टू गो फॉर अ डिनर एट अराउंड 8 o'clock, तो 8 बजे जाना था डिनर करने के लिए। बातें करते करते टाइम ही नहीं पता चला एंड बज गए 10। 10 बजे हम लोग गए थे एंड वी वर जस्ट गेटिंग स्केयर्ड रात के 10 बजे खाना मिलेगा ही नहीं मिलेगा। खाना मिला एंड बहुत बढ़िया था।
Is it good? जस्ट टू शो दैट हाउ द रोबोट क्लीनर इज वर्किंग, रोबोट इज वर्किंग एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब मेरी मम्मी को दिखाने के लिए कि किस तरह से ये वर्क करता है. मैं उसको उनको डेमो दे रही थी कि टेबल पर रखने से वो गिरता भी नहीं है एंड ऑल दैट. तो शी वाज रियली वेरी एक्साइटेड टू सी कि हाँ इस तरह भी काम करता है, वाह आपको तो अभी मेड की जरूरत ही नहीं है बेसिकली, बिकॉज मेड्स विल नॉट डू द वर्क बट रोबोट क्लीनर. आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइस, अगर आपको बाय करना है, आपको इन्वेस्ट करना है ना, इन्वेस्ट करो रोबो क्लीनर पे. आपका जो काम है ना वो यू जस्ट हैव टू फॉरगेट इट. हेलो हनी, बॉस हैदराबाद. हां हैदराबाद बिरयानी. हैदराबाद बिरयानी. हैदराबाद. मैंने बनाना लाए थे, बहुत सारे बनाना थे एंड वी नेवर यूज्ड इट, इट बिकेम टू मच ऑफ राइट एंड almost getting spoiled. तो मैंने थोड़े से बनाना रखे हैं. I'm going to make for tomorrow's breakfast buns, जो Mangalorean buns होते हैं ना, actually गोवा में भी use होते हैं and I should love that. So वो मैं बनाने वाली हूँ अभी, लेकिन उसके लिए ना उसको you have to keep it for 8 to 9 hours, मतलब दो बनाने के बाद 8 to 9 hours आपको रखना है एंड देन नेक्स्ट डे यू कैन मेक इट. एक्चुअली 4 to 5 इज ओके, 4 to 5 hours इज ओके, बट देन आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर, अभी बज रहे हैं 3, तो कल सुबह के लिए तो अच्छा समय. इफ यू वांट टू कीप द किचन ऑलवेज क्लीन, तो जो चीजें बाहर निकाली हुई होती है ना उसको बराबर जगह पर रखो. दैट्स द बेस्ट वे टू कीप योर किचन क्लीन. एंड इसमें जाएगा थोड़ा सा कर्ड, 3 tablespoons. एंड इसमें मैं मैदा यूज नहीं करूंगी, मैं करूंगी आटा विच इज अ मल्टी ग्रेन आटा. मैंने ऐड कर दिया है आटा अराउंड 1 cup और कर्ड ऐड किया है. इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसको लाइक अ डो मैं बनाऊंगी. शायद मुझे इसका चेंज करना पड़ेगा. और बताओ क्या चल रहा है? चल रहा है बंस की तैयारी कल के लिए. अब ये जाएगा Amazing biryani. Biryani amazing. This biryani have a unique taste. When I grow up, I want to go to England. Why, Ma? See the invades. Mama. To talk in English. English is good. Yeah. Good job. मूवी देखते देखते कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला. शाम के बज रहे हैं अराउंड 7:30, एक्चुअली 7:30 बज गया. हम लोगों एक मूवी देख डाली 2.5 hours की और अभी थोड़ा सा मैं एडिट करूँगी और कपड़े वगैरह है फोल्ड करने के वो कर लूँगी एंड देन खाना वाना खाना है, डिनर करना है एंड ऑल दैट. सो एनी वेज गाइज, कल इस ब्लॉग को हम लोगों ने स्टार्ट किया है. हम आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड